हेलो मध्य प्रदेश, नई सोच, नया अंदाज। मध्य प्रदेश में शासन किसी का भी हो, अवैध रेत उत्खनन का तांडव बस्तूर जारी है। कमलनाथ सरकार में गले फाड़ फाड़ कर उमरिया जिले में अवैध रेत उत्खनन को लेकर आंदोलन और प्रदर्शन करने वाली भाजपा अब जब खुद वापस सत्ता में आ गई तो रेत का नाम सुनते ही मानो जैसे सांप सूंघ जाता हो। बीते विधानसभा चुनाव में इसी उमरिया में महाराज ज्योतिरादित्य का दिया हुआ यह बयान पूरे मध्य प्रदेश में स्लोगन की तरह गाया जा रहा था कि कांग्रेस को खेत प्रिय, भाजपा को रेत प्रिय। अब यही स्लोगन दोहराया जाए तो भाजपा के कानों में दर्द उठ जाएगा। शिवराज सरकार लाख दावे कर ले कि रेत को लेकर नित नए नियम बनाए जा रहे हैं, लेकिन उमरिया जिले में नियमों को ताक में रखकर रेत निकालने का काम पहले भी होता था और आज भी हो रहा है। वर्तमान में शासन द्वारा रेत उत्खनन को लेकर बनाए गए नियम कहते हैं कि नदियों में किसी भी प्रकार की मशीन लगाकर रेत नहीं निकाला जाएगा, लेकिन उमरिया जिले में ठेकेदारों द्वारा नदियों का सीना छल्ली करने का कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। यहां तो मानो शासन के नियम उल्टे काम करते हैं। यहां खुलेआम नदियों से दिन रात मशीन लगाकर रेत निकाली जा रही है और जिला प्रशासन आंख बंद करके तमाशा देख रहा है। और जब कलेक्टर से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम अपनी टीम को लेकर रेत खदानों में दबिश दे रहे हैं, पकड़े जाने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। उमरिया से कामेश खट्टर की रिपोर्ट। इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं, इन पर मैंने निर्देश दिए हैं कि इसको अगर कहीं भी मशीन का उपयोग किया जाता है तो सख्ती से कार्रवाई की जाए और समय समय पर हम चेक करके इसको सुनिश्चित करेंगे कि मशीनों का प्रयोग ना हो। सर,